this video, we will going to discuss the solution of exercise 8.4, which is related to trigonometry. First of all, we will discuss the solution of exercise 8.4 in this video. So, first question क्या है हमारा देखते हैं सबसे पहले question ये है कि हमें sin a और sec a और tan a को cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म, किस टर्म में एक्सप्रेस करना है. कॉट ए के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है. हमें साइन ए और सेक ए और साथ ही साथ टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है. देखते हैं इसमें. सबसे पहले देखिएगा क्या होगा कि साइन ए को हमें बदलना है किस में, कॉट ए में बदलना है. तो हमने यहाँ पे लिखा साइन ए. सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है उनका सारा मैंने फार्मूला लिखवाया था. तो साइन ए का मैंने एक फार्मूला लिखवाया था अपने फर्स्ट वाले वीडियो में कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक ए होता है. तो मैं साइन ए को 1 बाई कॉसेक ए भी लिख सकता हूँ. लेकिन इतना से हमारा काम चलने वाला नहीं है. हमें करना क्या है, हमें इसे कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है. तो अब देखिए, मैंने वहाँ पर एक फॉर्मूला भी बताया था. मैंने बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कह सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो हमने देखा यहाँ पे कॉसेक ए इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो इस तरह से हमने साइन ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब देखते हैं दूसरा, सेकंड नंबर में क्या कर रहा है. देखते हैं सेकंड नंबर यहाँ पे ठीक है. सेकंड नंबर में सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है. वी नो दैट सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए. अब यहाँ से हमारा काम चलेगा नहीं. कॉस ए से हम कॉट ए तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो हम यहाँ पर सहायता लेंगे साइन का. हमें साइन का सहायता लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइन का इन्वर्स में ही कॉट आ रहा है. तो हमें कहीं ना कहीं साइन का सहायता लेना पड़ेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं. साइन ए यहाँ भी रहा और साइन ए यहाँ भी रहा, ठीक है. तो अब देखिए, ये साइन ए और ये कॉस है मिलकर टैन ए बना देगा. तो हमारा टैन ए बन जाएगा और 1 बाई साइन ए, यहाँ पर 1 बाई साइन ए बचेगा ना. तो 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के बराबर होता है. 1 बाई साइन ए कॉसेक ए के बराबर होता है. अब देखिए, टेन ए का इन्वर्स करेंगे तो कॉट ए आएगा. यानी कॉट टेन ए का इन्वर्स करेंगे तो कॉट ए आएगा. तो टेन ए को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे हम लोग, इसका इन्वर्स करके कॉट ए भी लिख सकते हैं. 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 10 है. अब हमने यहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू निकाला है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो इस तरह से हमने सेक ए को भी
कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आगे देखते इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करें। थर्ड क्वेश्चन, टेन ए को हमें क्या करना है, हमें टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम करेंगे, हम सिंपली जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू वन बाई कॉट ए, तो ये तो पहले से ही एक्सप्रेस है कॉट ए के टर्म में, कॉट ए। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको sec a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ sec a। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको sec a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमें क्या करना है, उन्हें sec a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग साइन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। साइन ए लिखा हमने, साइन ए को हमें क्या करना है sec a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो sec a जो है वो कहीं ना कहीं cos का इनवर्स है, sec a जो है वो cos का इनवर्स है, तो हमें साइन को किसी न किसी तरह cos में चेंज करना पड़ेगा, यानी सहायता लेना पड़ेगा हमें cos का। तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हम नीचे cos से डिवाइड करते हैं और cos से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें कहाँ है, हमें sec के पास जाना है। अब देखिए sin और cos मिलकर क्या बनाता है, tan बनाता है, tan होता है, हम यहाँ पर tan लिख सकते हैं। ठीक है, tan a और cos a, cos a जो है cos a को हम लोग 1 बाई sec a भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम 1 बाई sec a भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं, लिख सकते हैं हम, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि sec a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, हम कह सकते हैं। तो sec a इक्वल टू कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि tan स्क्वायर a इक्वल टू, tan स्क्वायर a इक्वल टू हो सकता है sec स्क्वायर a माइनस 1, हो सकता है कि नहीं। हमने यहाँ पर tan स्क्वायर a लिख दिया और sec स्क्वायर a को यहाँ पर, और फिर माइनस 1 आया। फिर हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि tan a इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a जहाँ पर है हम वहाँ पर अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया कि इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, tan a की जगह हम क्या लिखेंगे, tan a की जगह हम इस चीज़ को लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो क्या होगा, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। तो इस तरह से हमने साइन a को फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec a के टर्म में चेंज कर दिया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, cos को देखते हैं। cos को चेंज करना तो काफ़ी आसान है, इजी है। सेकेंड देखिए cos, अब हमें cos a को चेंज करना है sec a में। तो हम जानते हैं कि sec a का इन्वर्स cos a होता है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 1 बाई sec a। ठीक है, तो इस तरह से cos को भी हमने sec में बदल दिया। अब हम बात करते हैं tan की, तो tan की बात करते हैं, तो tan का अभी मैंने बताया, tan a का मैंने अभी निकाल कर दिखाया कि किस तरह से बदलता है। tan a को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। tan की बात भी हो गई। cot देखते हैं कि cot को किस तरह से sec में बदला जा सकता है। तो देखिएगा थर्ड फोर्थ,
कॉट देखते हैं, कॉट ए, तो कॉट ए जो है वो इन्वर्स होता है किसका, 1/10 ए का, ठीक है। तो 1/10 ए का वैल्यू हमें पता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। फिर बचा एक लास्ट जिसका नाम है कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin A होता है, होता है कि नहीं होता है, कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin A होता है। अब हमें क्या करना है, साइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया कि कॉस ए को ऊपर और कॉस ए को नीचे डिवाइड कर दिया, इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए होता क्या है, कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए, और 1/cos A क्या होता है, sec A होता है। अब हमने ऊपर देखा कि किस तरह से cot A का वैल्यू क्या है, 1/√sec² - 1। तो cot एक जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ क्या, sec A अपॉन √sec² - 1। तो इस तरह से हमने पांचों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को sec A के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री का हमें वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, हम 27 डिग्री को चेंज करते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन, हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 में से अगर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 23 आएगा। अब आगे देखते हैं, इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, ये तो फार्मूला पे आएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम इसे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज गोज टू इक्वल 1, यानी हमेशा ये 1 के बराबर होता है, यानी हम जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका सारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/1, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले समझिएगा, हमें किस इसमें से किसी एक को बदलना होगा, हम 65 को चेंज करते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री। अब देखिएगा साइन 25 डिग्री का तो जैसे का तैसे ही रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री
और उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा, cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो बार है इसलिए हम इसको साइन स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें से 9 कॉमन कर सकते हैं, सॉल्यूशन पर करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमने 9 कॉमन कर दिया 9, तो बचेगा क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन बनेगा, चलिए देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 प्लस tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta, ठीक है, ये कितना के बराबर है, 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta कितना के बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए में 0, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में माइनस 1 दिया है। ए में यहाँ पर ऑप्शन में लिख देता हूँ, ए में 1 दिया है, ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में माइनस 1 दिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टैन को और सेक को और साथ ही साथ कॉट को और कॉसिक थीटा को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। चेंज करते हैं, 1 प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा हो गया 1, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है ना, तो 1 मिल गया, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा मिल रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर होगा, देखिए साइन थीटा हमारा एलसीएम होगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 एलसीएम मिल रहा है इसका, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यहाँ पर कॉस साइन थीटा मिल रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा मिल रहा है 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1। अब देखिएगा कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया मैंने साइन थीटा से, मैंने लिख दिया, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से, यानी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, तो प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस
साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ तक तो मल्टीप्लाई हो गया, अब हम वर्ल्ड वन का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब देखिएगा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, मिलकर वन बनाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर वन बनाएगा, और वन यहाँ पर है और माइनस वन यहाँ पर है, तो इस चीज़ से ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर वन बनाएगा और वन माइनस वन से मिलकर जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर साथ ही साथ देखिए माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है, ये आपस में कैंसिल। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर प्लस में साइन थीटा है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। अब हमें पता था नीचे क्या था, आप नीचे देख रहे हैं, नीचे था क्या कॉस थीटा और साइन थीटा, नीचे था क्या साइन थीटा और कॉस थीटा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचा क्या साइन थीटा कॉस थीटा एक जगह बचा और दूसरी जगह भी बचा साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी सारा चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो साइन थीटा एक यहाँ पर है और एक साइन थीटा यहाँ पर है, तो हम दो साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये दो के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर, इसका वैल्यू जो है दो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने फोर का थर्ड क्वेश्चन टाइप कर दिया है, अब इसमें देखते हैं क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि sec a plus tan a into 1 minus sin a कितने के बराबर है, कि ये sec a के बराबर है, कि ये sin a के बराबर है, कि ये cos a के बराबर है, कि या ये cos a के बराबर है, ये देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम sec a को बदल देंगे, क्या करेंगे हम लोग sec a को 1 by cos a लिख देंगे, प्लस tan a को भी हम बदल दे देंगे साइन ए बाई कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। और ये तो पहले से ही बदला हुआ है, वन माइनस साइन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉस ए का हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात एकदम, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यानी वन प्लस साइन ए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर वन माइनस साइन ए भी है। अब देखिए वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, उसी फॉर्मूला पर है ये एकदम बिल्कुल। तो वन का स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो वन ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे ए अपॉन कॉस ए। वी नो दैट वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर कॉस ऊपर में दो बार है, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर मतलब दो कॉस और नीचे एक कॉस, तो दो कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक कॉस ऊपर में बचेगा, यानी कॉस ए हमारा राइट आंसर होगा। दैट मीन्स डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कितने के इक्वल है, क्या ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल है, क्या ये माइनस वन के इक्वल है, क्या ये कॉट स्क्वायर ए के इक्वल है, फिर क्या ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए दो फॉर्मूला यहाँ पर, एक फॉर्मूला ये है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, वन। तो हम लोग लिख सकते हैं
sec स्क्वायर a इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला देखिए, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू वन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर a। इन दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला वन और फार्मूला दो के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा हमें मिलेगा क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं अपॉन वन प्लस cot स्क्वायर a की जगह हम cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a। अब हम जानते हैं वन बाई वन sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, वन बाई cos स्क्वायर a अपॉन वन बाई sin स्क्वायर a, क्योंकि हमें पता है cosec स्क्वायर a इक्वल टू वन बाई sin स्क्वायर a। अब देखिएगा वन बाई cos स्क्वायर a, अब sin ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन वन, यानी sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, sin a tan होता है, यानी tan स्क्वायर a जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें tan स्क्वायर a कहाँ है, ऑप्शन डी में है, दैट मीन्स डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे 10 क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है, जो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट टू में मैं अपलोड करूँगा, आएगा 10 क्वेश्चन मैं पार्ट टू में अपलोड करूँगा, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि अगर एक ही पार्ट में मैं सारा वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो इस तरह से जो सेकेंड पार्ट होगा उस पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट में आएगा 10 क्वेश्चन, उसको प्रूफ करना है, मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है।